नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति सिंगल के नाइन मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो और सांसद राजकुमार सैनिक गोहाना पहुंचे। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बात करते हुए बताया कि पहले मेरी सिर्फ आलोचना थी, लेकिन अब मुझ पर जानलेवा हमले भी होने लगे हैं। अगर समय रहते सरकार ने मुझ पर हमला करने वालों को गिरफ्तार और मेरी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त प्रबंध नहीं किए तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। वो बार बार अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। राजकुमार सैनी पर हमला होने से उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है। राजकुमार सैनी ने कहा कि जो व्यवस्था पिछली सरकार ने बिगाड़ी है, मैं उसे ठीक करने का काम कर रहा हूं। लेकिन प्रदेश में काबिल राजनीतिक पार्टियां मुझे लगातार निशाना बना रही है। मैं हर घर में एक रोजगार देना चाहता हूं, न जाने फिर क्यों आरक्षण के नाम पर या लोकतंत्र के नाम पर मुझ पर हमले हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो व कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी जी, जिन्होंने अभी अभी पानीपत में एक सफल रैली का आयोजन किया था और अभी अभी उन पे हमला भी हुआ। उनसे जानते हैं हमला कैसे और किस तरह और उनकी क्या मांग है। देखिए, जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, अपने लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। जिन लोगों ने इस प्रदेश के 45 साल तक पांच पांच मुख्यमंत्रियों ने राज किया, हम सब लोगों ने उनको सर पर बिठा के रखा। अब उन लोगों को अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और पीड़ा है। जो भेदभाव उन लोगों ने किया, उस भेदभाव को अब जनता में उजागर हम उसका खुलासा ना करें। 10% लोगों ने 50-52% नौकरी ली और 52% पिछड़ा वर्ग को सिर्फ 10% में सीमित कर दिया। उस भेदभाव को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक फैसला भी दे दिया कि बैकवर्ड के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरा प्रदेश जला के, और जब मैंने उनके विरोध किया और आवाज़ उठाई गरीब तबके की, अब मेरे पास पहले तो रस्ते रोकते थे, अब जानलेवा हमलावर हैं। और ऐसी व्यवस्था में पूरे प्रदेश में अब आक्रोश है। उस बात को लेकर के लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा कि अगर 3 दिन तक सरकार ने 3 दिन के भीतर भीतर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में न डाला तो पूरे प्रदेश के अंदर एक तपिश होगी। और लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा कि हम फिर रास्ते भी जाम करेंगे और यहाँ तक के घेराव भी करेंगे। जी, प्रदेश में पहले भी हरियाणा विकास पार्टी हुआ, हरियाणा कांग्रेस जैसी पार्टियाँ बनी है, तो आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैसा भविष्य मानते हैं? इस प्रदेश में आज एक नहीं तो सैकड़ों पार्टियां हैं, वो सब की सब कांग्रेस से निकल गई बनी है। जब जब भी किसी भी पार्टी ने जाति की या दूसरे लोगों के हितों का हनन किया, उस पार्टी का सफाया होगा और नया पेड़ उग के जमीन पे पैदा हो गया। जी, प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा, अशोक तौर साइकिल यात्रा और पानीपत में प्रदेश स्तरीय रैली किया। अभी इनेलो पार्टी 7 अक्टूबर को गोहाना में रैली आयोजित कर रही है, तो क्या मानते हैं प्रदेश की राजनीति किस दिशा की तरफ घूम रही है? 55 साल तक कांग्रेस ने बारंबार इस देश को नेतृत्व किया, देश को भिखारियों की लाइन में खड़ा कर दिया। पिछड़ा वर्ग जो 52% है उनको अब हक देने की बातें करते हैं। जो 52 साल तक लूटते रहे, हम उन पर दोबारा इतबार क्यों करें? जिन लोगों ने 12 बार सरकार चला के हमें 12% में सीमित कर दिया और अफसरशाही में सिर्फ 6% तक हमारी हिस्सेदारी बनी। और इसी प्रकार से इनेलो पार्टी भी बड़े भाषण भ्रष्टाचार पर दे रही है। भ्रष्टाचार में आधा खुणबा अंदर पड़ा है, बाकी के लोग आय से अधिक संपत्ति में अंदर जाने वाले हो रहे हैं और मर्डर तक के केस खुले पड़े हैं और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं और जनता तालियां पीट रही है। अब ये देश समझ चुका है कि नौटंकी करने वालों को नौटंकी के माध्यम से ही धराशायी करेंगे। जी, जैसे कि हमें सांसद महोदय ने बताया कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई पार्टी है और ये पार्टी काफी सफल होगी हरियाणा में। K9 मीडिया के लिए गोहाना से अरुण धून की रिपोर्ट। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।